नमस्कार सभी साथियों को, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। भाई आज एक नया व्लॉग लेके आए हैं आपके लिए। आज है ना, हम अपने यहाँ पे नजफगढ़ में कचौड़ी खाने जा रहे हैं गुप्ता जी की। यार बढ़िया है ना, बिना मसाले की बिल्कुल सादी सब्जी, बहुत बढ़िया कचौड़ी बनाते हैं गुप्ता जी। कई बार खाते हैं, आज आपको भी दिखाते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सी जगह पड़ेगा। अभी हम निकल चुके हैं, हर्ष हमारे साथ है। हर्ष कचौड़ी खाने जा रहा है भाई तू? अच्छा, और भाई क्या नाम है अपना दोस्त पवन भी अपने साथ है, ठीक है। कचौड़ी खाने जा रहे हैं, अभी खा के बताते हैं आपको कैसी कचौड़ी है। वैसे हमें तो पता ही है कैसी है, ठीक है। आज बुखार हो रखा है, 2-3 दिन से बुखार हो रखा है, इसलिए बहुत मन कर रहा था कि कुछ चटपटा खाया जाए। तो चटपटे के चक्कर में निकल चुके हैं, सुबह 9 बजे से ढूंढ रहे थे कहाँ अच्छा मिले और कोई बेस्ट मिले, लेकिन फिर आखिर में वही हमारे गुप्ता जी काम आए हैं, क्योंकि हम इनके पुराने कस्टमर हैं। चलो अभी आपको दिखाते हैं आगे का सफर। भाई आप आगे मेन रोड पे, मेन रोड पे ये जाता है रोड गुड़गांव की तरफ, नजफगढ़ से गुड़गांव रोड पे जो गुप्ता कचौड़ी वाले की दुकान है वो इसी रोड पे है। ये रॉयल एनफील्ड शोरूम है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा बोर्ड, ये नरेश ऑमलेट वाला है। तो जैसे ये नजफगढ़ क्रॉस करते हैं दिनपुर शुरू हो जाता है यहाँ से, बिल्कुल दिनपुर स्टैंड है ना जो चौक, बिल्कुल वहीं पे है गुप्ता की दुकान। अभी चल रहे हैं, आपके साथ बने हुए हैं हम, आप भी हमारे साथ ही रहना। आपको दिखाते हैं कहाँ सी है, कभी आओ खाओ, मजा आएगा वाकई में, क्योंकि इतनी गर्मी में है ना मसाले की चीज तो खाई नहीं जाती है। उनका बिल्कुल बिना मसाले बिल्कुल सादी सब्जी। भाई ये दीनपुर की आ गई रेड लाइट, ये इस तरफ गोला गांव की तरफ रोड गया और ये सीधा छावला की तरफ है। बिल्कुल यहाँ ये 4-5 दुकानें छोड़कर ये है गुप्ता कचौड़ी भंडार। आपको दिख गया होगा जो लगा हुआ बोर्ड, गुप्ता कचौड़ी भंडार पे हम आ चुके हैं। अभी हम भी अपनी गाड़ी लगाते हैं कहीं पे। भाई कहाँ खाओगा है गाड़ी में? तैयार हो ली दौरे, यहाँ पर खांड भी ना देते है ना, किस वजह से ना खांड देते पवन बता तो दे। कोरोना काल की वजह से ना खांड देते ना। अच्छा अब उतनी भीड़ भी ना रहती पवन है ना, जितनी पहले भीड़ होया करते। ले भाई मारी भी दे दे गुप्ता जी। गर्मी और बाहर बहुत गर्मी हो रखी है हर्ष, बहुत ज्यादा। भाई मैं तो आके गाड़ी में बैठ गया। हाँ पवन को बोल के आया हूँ तू उठा ला। अरे बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है यार, बुरा हालत। पहले मेरे को बुखार हो रखा है, मैं तो पवन को बोलिया है मैं भाई तू लिया गाड़ी में बैठ के खा लेंगे अपना जैसा भी लगेगी ना। पहले आराम से बाहर खड़े होके खाया करते, पर गर्मी भी कितनी हो रखी है। कुछ अब कोरोना के चक्कर में नहीं खड़े होने देते, कुछ भाई वैसे भी ना खड़ा होया जा गर्मी में। क्यों टाइम ये लगा लो आप, 11:15 का हो चुका है। अगर आप में एक गंदा बारिश गर्मी में खड़ा हो जाए ना, बीमार हो जाएगा।
सच में बीमार हो जाएगा। अच्छा चलो भैया, अभी आने वाली हमारी कचौड़ी, ठीक है आपको दिखाते हैं, खा के बताएंगे। हमें तो पता ही है, वैसे भी आपको बताई थी पहले भी, ठीक है कचौड़ी बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, और आपको दिखाएंगे हम। यहाँ पर जरूर आना आप, एक बार खा के देखना, मजा आएगा आपको भी। चलो अभी कचौड़ी आने दो, फिर मिलते हैं आपसे। वही फाइनली है ना, कचौड़ी आ चुकी है, ठीक है। ये सब्जी है, कोई मसाला नहीं इसमें, कोई कुछ नहीं, ये हरी मिर्च है अपनी, और क्या नाम है, ये कचौड़ियाँ हैं। कचौड़ियों का साइज देख लो आप, दो कचौड़ी में बढ़िया पेट भर जाए भाई आदमी का, ठीक है। अपने ये रखी सब्जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। शुरुआत नहीं करी क्या कचौड़ी की आपने? नहीं अभी नहीं, आपके साथ करेंगे। खा भाई खा, शुरू कर गए, टेस्ट करके तो बता। हाँ भाई हर्ष भंडारी, चेक करके बताओ यार कैसी लगी कचौड़ी। तुमने मिर्च नहीं ले रखी वैसे, है गरम है ना, करो चेक किया जाए इसको, हल्की सी बाइट लेके देखो कैसी लगती है। हाँ सब्जी का टेस्ट करो। लाजवाब है। लाजवाब है, वाह भाई वाह, मजा आ गया। इसका मतलब बहुत अच्छी है। चल भाई मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है तू कर एंजॉय। भैया मैं भी चेक कर रहा हूँ कैसी बनी है, ठीक है। हर्ष ने चेक कर ली, पवन ने चेक कर ली, बड़ी अच्छी बता रहे हैं, अभी देखते हैं हम भी। भाई वाकई में लाजवाब ही कह रहा था हर्ष, वाकई में ही लाजवाब है। कभी आओ, बड़ी सॉलिड है भाई। ये मिर्च है ना इनकी, वैसे मिर्च अचारी वाली नहीं होती, तली वाली होती है, पर इसमें मजा आ जाता है। मेन बात है सब्जी, कोई मसाला नहीं होता यार, आराम से है ना, दो तीन कटोरी वैसे ही पी जाए, दिल करता है। बड़ी शानदार है। तो भैया आप भी एक बार जरूर जरूर खा के देखे, मैं तो यही एडवाइस देता हूँ, और एक बार खाते हैं हम फिर बात करते हैं। भाई कचौड़ी फिनिश कर दी है, ठीक है। अभी हर्ष लगा हुआ है, उसकी भी थोड़ी सी रहेगी। भाई पवन आपकी होगी फिनिश, मजा आया, कैसी लगी? बहुत बढ़िया भाई। वैसे पवन हमने खा रखी है, पहले तो महीने में 4-5 बार खाते थे हैं, अब तो गर्मी में भाई मूड ना है, अभी कबार तो दिल कर जाए कभी कबार। हाँ तो हर्ष लगा हुआ है, बस यूं बुरी तरह डोंगे में गिरा हुआ है बिल्कुल। कचौड़ी भी उसकी फिनिश हो गई है, थोड़ी सी सब्जी रह गई है। भाई मजा आ गया वाकई में, आप भी ट्राई जरूर करना, और जिसने खा रखी हो या जिसे अच्छी लगती हो वो कमेंट जरूर करके बताना कि आपको टेस्ट कैसा लगता है इनका, और जिसने ना खा रखी वो जाके जरूर खा के एक बार तो जरूर खाए यार, और अगर जिसने खा रखी उनको बढ़िया लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके लव यू ऑल, बाय।